हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर फिजिक्स बाय वीके। तो आगे बच्चों एक नए सवाल के साथ, ठीक है। आज की वीडियो में करने वाला सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5.11। तो क्वेश्चन में देखो बोला गया है, एट अ सर्टन लोकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका में कोई लोकेशन जहाँ पे अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब ये एंगल जो है बन रहा है आपके जियोग्राफिक नॉर्थ के साथ, ये हो गया आपका एंगल, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आपका हो जाएगा 12 डिग्री, है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया 12 डिग्री, ठीक है। फिर आगे आपको क्या बोला है, फिर आगे आपको बोला है नॉर्थ टीप, नॉर्थ टीप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डीप सर्कल प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन 0.60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल है आपका बन रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डीप। तो एंगल ऑफ डीप आपको दिया है, एंगल ऑफ डीप तो गिवन है कितना, 60 डिग्री, है कि नहीं, है ना। इसको थीटा बोल दो तुम लोग, इसको थीटा और इसको बोल दो फाई। फिर आपको बोला है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड टू बी, तो बी एच आपका मेजर है 0.16 गॉस, है कि नहीं, है ना। तो इसको कर लो टेस्ला में, तो 0.16 इंटू 10^-4 करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10^-5 टेस्ला, ठीक है। तो आपको पूछा है स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस फाई एंगल ऑफ डीप। तो बी ई आपको निकालना है, तो बी एच डिवाइड बाई बी, सॉरी बी और डिवाइड बाई कॉस फाई, ठीक है। ये चीज जाएगी नीचे, तो यहाँ पे कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यूज आप लोग देखोगे कॉस 16 की वैल्यूज होती कितनी, 1/2.5, है ना। तो ये हो जाएगा 0.16 डिवाइड बाई 0.5, तो ये हो जाएगा 0.32, ठीक है। गाउस में पुट करो तो गाउस में पूरा आंसर आएगा, ये हो जाएगी वैल्यूज आपकी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, और डायरेक्शन होगी आपकी 12 डिग्री वेस्ट ऑफ दी जियोग्राफिक नॉर्थ। ये आंसर आपको बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर दे दिया हुआ है। तो ये रहा सिंपल सा कैलकुलेशन, ज़्यादा जो है गड़बड़ी मत करना इस सवाल में, थोड़ा सवाल जो है समझने में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन आप समझोगे अच्छे से, ठीक है, क्या क्या चीज़ दी और क्या क्या आपको पूछा है, तो आसानी से सवाल कर दोगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।